का फैसला प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है और इसके कारण अब ट्रेन सेट भी हम बनाने लगे हैं जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और 2014 के पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में एक बात हम लोगों ने कही थी कि जिस तरह से वाजपेयी जी की सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया था सड़कों का, उस तरह से हाई स्पीड रेल का हम डायमंड क्वाड्रिलेटरल माने हीरक चतुर्भुज बनाएंगे। उस दिशा में अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर जापान सरकार के सहयोग से हम बना रहे हैं, वो समय सीमा के भीतर पूरा होगा। ये देश का पहला हाई स्पीड कॉरिडोर होगा और फिर 8 ऐसे कॉरिडोर हैं जिन पर अध्ययन का काम हम कर रहे हैं, उसे भी हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि अब देश का युवा वो केवल पैसेंजर गाड़ियों को देख करके पसंद नहीं है, जब वो दुनिया के विकसित देशों में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी देखता है तो उसके मन में भी आकांक्षा होती है कि अब हिंदुस्तान में भी इस तरह की गाड़ियाँ चलनी चाहिए।